चलिए सर, इस सवाल को करते हैं पहले। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है कि कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंड सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में। पहले पॉइंट में, हालांकि ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया है, लेकिन इस सवाल के अंदर कई जगह मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो उससे कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाएगा वो भी देख लेंगे हम। तो पहला पॉइंट है हमारा सर, फिक्स कॉस्ट दे रखा है और पीवी रेशियो दे रखा है हमारा 50%। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, पीवी ब्रेक इवन परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, सचिन का कहना है, वो आपको गिवन होगा, अभी देखेंगे सवाल कुछ। अब तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ही करने हैं, बस आपको कंसंट्रेट होके देखना है। तो पहला कहता है सर, पॉइंट केस नंबर वन, आराम से करने वाले हम, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, आपका 1 लाख, और पीवी रेशियो दे रखा है पीवीआर 50%। कहता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट सर, इस यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ सी डिवाइडेड बाय पीवीआर, 10,000 है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहां देखते हैं सर क्या देखें, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 10,000, और 50% को या तो 50 रख के इंटू 100 करिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.5, तो अब इंटू 100 करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 20,000। तो सर पहले का आंसर आ गया हमारा 20,000। सवाल नंबर दो करते हैं अब, सवाल नंबर वन डन, सवाल नंबर टू, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है। तो सर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ब्रेक इवन पॉइंट लगेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू वाला लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रुपीस में नहीं आएगा, नंबर ऑफ यूनिट में आएगा। तो सवाल में कुछ बोला नहीं है तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो क्या है हमारा 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर दें सर, 3 रुपीज से। तो कितने आ गए ये, 3, 5,000 यूनिट आ गया। इसके आगे यूनिट लगा देना आप, रुपीज मत लगा देना गलती से। चलिए दूसरा भी कर लिया हमने, चलिए अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया 20%। सर एमओएस दे दिया हमें कितने परसेंट, 20%। आपसे पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, तो सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया था कि हमारा जो सेल्स होता है ना, जो 100 इज इक्वल टू होता है हमारा, यानी अगर मैं यहां पे परसेंटेज रखूं समझाने के लिए, कि जो सेल्स होता है, टोटल सेल्स होता है, वो होता है हमारा एमओएस का परसेंटेज प्लस में आपका ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। सर कैसे, पिछले सवाल में मैंने बोला था कि मैं सेल अगर 1 लाख करता हूं और 80,000 रुपए है, तो आपने झट से बताया था सर एमओएस कितना होगा, 20,000। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 20% ये होगा, और ये कितने परसेंट होगा सर, 80%। तो ये क्या था हमारा सर, सेल्स था। तो सेल्स क्या बनेगा हमारा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज और एमओएस का परसेंटेज, यही तो बनने वाला है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए इसे मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सर अब फॉर्मूले में गिवन है, तो मैं सीधा ब्रेक इवन पॉइंट इसको उल्टा पुल्टा करके, इधर उधर करके जो करते हैं हम, वो करके निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, सर हम 100 में से सीधा माइनस करने वाले हैं 20%, तो हमारा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का 1%, दैट इज 80%। तीसरे का भी सवाल का आंसर मिल गया। तो देखिए ये वाला सवाल आप तब तक नहीं कर सकते थे जब तक आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला नहीं पता होता। चलिए एक और सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 4। कहता है फिक्स कॉस्ट दे रखा है सर 90,000, और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स रेशियो 60% दे रखा है। तो सर फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको कितने दे रखे हैं, 9,000, और वीसी का परसेंटेज दे रखा है सर कितने परसेंट दे रखा है, 60। तो आपको पता है ना पीवीआर का परसेंटेज क्या होता है, 100 में से वीसी का परसेंटेज माइनस कर दो, दैट इज कितना होगा हमारा, 40। यानी पिछला हर एक चीज याद होना जरूरी है। अगर आपने सोचा ना कि हम हर क्लास में कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, इस चैप्टर में बढ़ते जाऊंगा और आपका दिमाग आगे चल के ब्लैंक हो जाएगा पूरा माइंड, समझ में आया। तो अब देखो पिछला पूरा याद होना चाहिए, तो अब सिंपल निकल सकता है पीवीआर है, तो फॉर्मूला अब क्या लगेगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाई क्या आएगा हमारा, पीवीआर
पीवीआर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है आपके एफसी 9000 डिवाइडेड बाय 0.4 ले लेते हैं, तो 9000 डिवाइडेड बाय 0.4 तो ये आ गया सर 22500। तो ऐसे हम चलते जाएंगे, फटाफट करते जाएंगे। चलिए तीन भी हो गया, चार भी हो गया। चलिए सर अब आ जाते हैं अगले पे, सवाल नंबर पांच। सवाल नंबर पांच तो इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसको करने में। क्यों मजा आता है सर? क्योंकि सब चीज इजीली हो जाता है हमारा। अब यहां दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और दे रखा है एक्चुअल सेल्स। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या दे रखा है? परसेंटेज, और दे रखा है एक्चुअल सेल्स। तो सवाल ही खत्म हो जाता है, एक्चुअल सेल्स का कोई रोल ही नहीं रहता है। कहता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। तो सर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकाला जाए तो क्या होगा सर? 100 माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सर 100 माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर? 30%। दैट इज हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 70%। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाला। अगर रुपीज में पूछ रहे तो आपको सेल्स तो पता ही है, सेल का ही तो परसेंटेज होता है, हमने अभी तो देखा है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर इन द टर्म्स ऑफ रुपीज पूछ लिया जाए तो सेल्स कितना है सर? सेल्स हमारा एक्चुअल है 50,000। तो 50,000 रुपए का कितने परसेंट सर? 70%। दैट इज आ गया 35,000 रुपए। कितने आ गए? 35,000 रुपए। चलिए सर बढ़ते जाते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। अब सर अगले सवाल पे आ जाइए। प्रॉफिट दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 70%। तो आपको निकालना क्या है सर? निकालना ब्रेक इवन पॉइंट है। तो एक तो एक तरीका ये है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 100 माइनस में, क्या कर दे माइनस में? MOS सेफ्टी 20%। दैट इज आपका कितना आ जाएगा? 80%। अब अगर रुपीस में निकालना तो कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ, रुपीस में निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए और पीवीआर चाहिए, ठीक है ना? आपको फिक्स कॉस्ट पता है क्या? नहीं पता यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, लेकिन आपको यहाँ पे क्या पता है सर? यहाँ पे सवाल में कहता है कि प्रॉफिट हम दे रहे हैं आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने आपको दे दिया है, और वेरिएबल कॉस्ट का क्या दे रहे हैं? ये रेशियो दे रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट का क्या दे रहे हैं? रेशियो दे रहे हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, पीछे एक फॉर्मूला लास्ट वाला देखिए मैंने क्या लिखा था, लास्ट वाला देखिए, इसको यहीं उठा के कर देते हैं शिफ्ट, एक मिनट। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लास्ट वाला क्या था सर? फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट भी पता है, एमओएस भी पता है, तो पीवीआर निकल जाएगा इजीली हमारा, ठीक है ना? तो यहां पे सर हमें ब्रेक इवन के लिए पीवीआर चाहिए। तो पीवीआर कैसे निकाल सकते हैं? पीवीआर निकालने का फॉर्मूला हो सकता है हमारा क्या? मैं पूरा ब्रेक इवन पॉइंट का ही रख देता हूं। MOS का परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में क्या कहा था? PVR। तो MOS का परसेंटेज पता है हमें 20%, और प्रॉफिट का परसेंटेज आपको प्रॉफिट का अमाउंट ही पता है, इनफैक्ट कितने रुपए? 30,000 है ना, डिवाइडेड बाय PVR नहीं पता, तो आप निकाल सकते हो, इसको डिवाइड कर दोगे तो PVR आ जाएगा आपका कितना? PVR आ जाएगा आपका 30,000 डिवाइडेड बाय 20, 20% है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये। तो पीवीआर मैंने कोई सेल्स कितना है हमारा? एमओएस वेरिएबल कॉस्ट 70%। ठीक है, 20% आ जाएगा ये, 30,000 डिवाइडेड बाय 100, ये चला जाएगा हमारा नीचे, है ना, और ये आ जाएगा 20%, 100 हो जाएगा ऊपर, 100 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख क्या आया हमारा? पीवीआर आ जाएगा 1.5 लाख। तो प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, एक सेकंड रुकना, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? ओके,
एक सेकंड, एक एरर कर दिया हमने, हमने यहां पे क्या एरर किया कि यहां पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये अमाउंट है, मैंने पीछे परसेंटेज लिख दिया क्या, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, ठीक है ना, वहां पे हम लेके आ रहे हैं परसेंटेज, तो ये बात नहीं बनेगी, तभी ये थोड़ा सा लगा रहा था। चलिए दूसरा तरीका, अब आप बताइए, प्रॉफिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है तो अरे पीवीआर तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको दे रखा है पीवीआर निकालना है ना, तो पीवीआर होता है हमारा 100 माइनस में कंट्रीब्यूशन का रेशियो, यही होता है ना, और आपका कंट्रीब्यूशन होता है 100 माइनस में वीसी का परसेंटेज, यही होता है, आपको वीसी का परसेंटेज तो पता ही है, तो कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गया ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका 100 माइनस में 70, दैट इज आपका 30% हो गया, और पीवीआर होता है 100 में से क्या माइनस कर दो आप, कंट्रीब्यूशन, नहीं वो 100 में से कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, इसे यहां रखते हैं, सर ये हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारा होता है कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज इज इक्वल टू पीवीआर का परसेंटेज, दोनों सेम रहता है हमेशा। चलिए सर कहाँ लिखा था ये बातें, ये बातें स्टार्टिंग में लिखा था हमने, कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था क्या, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पीवीआर वाले में लिखा होगा, ये तो ये पीवीआर है ना, नहीं इसमें नहीं, कहाँ है पीवीआर, पीवीआर पीवीआर ये रहा, ये देखिए PVR इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सारे चीजें ना आपको अगर सामने टिप्स पे है तो आप बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है, वो तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपको याद ही होगा लगभग, तो हमने क्या निकाल लिया सर यहाँ पे PVR निकाल लिया, अब आपको PVR पता चल गया, आपको फिक्स कॉस्ट नहीं पता, और PVR क्या होता है हमारा दो चीजों को मिला के बनता है हमारा, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट भी पता है, MOS भी पता है, और आपको पीवीआर पता है, तो आप पीवीआर का अगर मैं सेल्स निकालू ना, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्या नहीं लिखा है मैंने, आपका आपका पीवीआर से कोई निकाला है मैंने, यहाँ MOS रुपीस में है, प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर, अगर मैं प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर रख दूँ, क्या रख दूँ मैं, प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर, तो हमें क्या मिलेगा, MOS किस टर्म्स में मिल जाएगा, रुपीस के टर्म्स में मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं शिफ्ट, थोड़ा इधर कर देते हैं, चलिए इसको और आगे लेके चलते हैं, वैसे तो हमने निकाल लिया, मैं रुपीस के निकालने की सोच रहा हूँ कि रुपीस के निकाल दूं आपको, तो हमारा MOS आ जाएगा सर, MOS क्या आएगा, MOS आएगा हमारा प्रॉफिट अपॉन में, प्रॉफिट कितना है हमारा 30,000, और पीवीआर क्या आया 0.3, तो MOS आ गया हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 30,000.3, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब आपका सेल्स का फॉर्मूला, MOS का फॉर्मूला क्या होता है, एक MOS परसेंटेज का फॉर्मूला, देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा, MOS परसेंटेज का फॉर्मूला, MOS निकालो और एक्चुअल सेल्स लिखो 100 आ जाएगा, तो हमें MOS पता है और MOS का परसेंटेज पता है, अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्चुअल सेल्स, अगर एक्चुअल सेल्स पता चल गया और ब्रेक इवन का परसेंटेज पता है तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम क्या रखें, MOS क्या होता है सर, आपका MOS इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स, डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स, तो सर MOS कितना है हमारा, इसके डिवाइड कर देंगे एक्चुअल सेल्स, AS लिख रहा हूँ, एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू MOS दे रखा है हमें 1,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना था इसका, MOS का 30%, 0.3, तो सर 1,00,000 के डिवाइडेड बाय 0.3, 0.3 है 2 है, 2 20 है सॉरी, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ गया सर 5,00,000, यानी 5,00,000 रुपए का मेरा एक्चुअल सेल्स है, तो सर अगर आपका सेल्स 5,00,000 रुपए का एक्चुअल है, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखो आपको एक्चुअल सेल्स पता है कि कितना है सर 5,00,000 रुपए का, ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज पता है कितने परसेंट निकाला हमने, कहाँ गया, कहाँ गया 80%, तो ये 80% हो गया,
तो अगर इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट निकालोगे ब्रेक इवन पॉइंट का, इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये 4 लाख रुपए आ गया। ये था हमारा सवाल नंबर 4, 6 था सॉरी। क्लियर? 7 पे आ जाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको और एक्चुअल सेल्स दे रखा है, तो ये भी तो आराम से निकल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, एक्चुअल सेल्स दे रखा है, तो यहां से क्या निकाल देंगे? एमओएस का परसेंटेज। अगर हमें एमओएस का परसेंटेज पता चल गया तो हम बीओ बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज निकाल लेंगे और उसके मदद से हम अमाउंट के टर्म्स में भी निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। हमें क्या दे रखा था? सवाल नंबर कौन सा है ये? 7। 7 में हमें दे रखा है एमओएस, एमओएस दे रखा है ना, कहां गया? क्या दे रखा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एक्चुअल सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है हमारा? 70,000। और एक्चुअल सेल्स कितने हैं सर? 4 लाख दे रखा है। ठीक है, अब यहां से एमओएस का परसेंटेज निकल जाएगा। एमओएस का परसेंटेज, एमओएस क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 70,000 डिवाइडेड बाई कितना आएंगे? 4 लाख गुणा में 100। तो सर 70,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू में 100, तो ये आ गया सर 17.5। तो 17.5 ये परसेंटेज है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज निकल जाएगा सर कितना? 100 माइनस में 17.5, तो ये आ जाएगा हमारा 82.5। ये आ गया सर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर अमाउंट में निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट तो कैसे निकालोगे सर? आप 4 लाख का सीधा ये परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे 82.5%। इस सवाल में ना मजा बहुत आता है, लेकिन आपको ना बैठना पड़ेगा इसके लिए, करने के लिए ना एक दो बार तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं इस सवाल के साथ ना, समझ ही नहीं आता, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक ये सारे क्वेश्चन दो बार नहीं करोगे ना, तो आपको फिर फील नहीं आएगा उसका करने का, आप फॉर्मूला बहुत जल्दी इरेज कर दोगे। और एग्जामिनर कहां कहां से कौन से फॉर्मूले लगा देगा? तो एग्जामिनर लगाता नहीं है। अब देखो, जो मैंने ये पिछला सवाल किया था ना, शायद सॉल्यूशन बुक में दे रखा हो, 2 स्टेप में खत्म हो रहा हो, लेकिन मैं उस सॉल्यूशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे जैसे दिमाग चलता जा रहा है, वैसे वैसे मैं इसको कंटिन्यू आगे चलता जा रहा हूँ। तो बुक का सॉल्यूशन जो भी है, व्हाटएवर, हमारा लास्ट सॉल्यूशन सेम ही रहेगा, लेकिन वो किस स्टेप से घुसते जाएंगे और कहां से निकलता जाएगा, जब हम इस सॉल्यूशन को एक बार और देख लेंगे ना, तो शायद में भी मुझे लगे कि यार इसको ना इस तरीके से भी कर लेते तो इससे बेटर होता। शायद आप ही मुझे बता दो कि सर इसमें एक शॉर्टकट ये भी लगा सकते, तो बहुत तरीके होते हैं इसमें करने के। लेकिन सर ये पूरा दिमाग आपका ना टेस्टिंग कर लेता है, पूरे दिमाग का, कि आप कितने एक्टिव हो आप माइंड के थ्रू। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है एक्चुअल सेल्स दे दिया इसने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट दे दिया। अब देखो आपके साथ क्या कह रहा है, एक्चुअल सेल्स यूनिट दे दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट दे दिया। तो बड़ी सीधी सी बात है, यूनिट यूनिट को डिवाइड करोगे तो एक परसेंटेज आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? एमओएस का। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स का यूनिट दे दिया आपको, एक्चुअल सेल्स यूनिट कितना था? ये था हमारा 10,000 और 2,500। 10,000 यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट दे दिया आपको 2,500। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम परसेंटेज तो निकाल ही लेंगे। क्या आएगा परसेंटेज सर? 2,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में 100, तो कितने परसेंट आ गए? 25%। 25 आएगा, कितना आएगा? 2,500 डिवाइडेड बाय 25%। ठीक है, अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज निकालना है सर। ब्रेक इवन पॉइंट 100 माइनस में 25%, दैट इज आपका आ गया 75%। एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है वो आपके मन में भी आएगा और सभी के मन में आएगा, सर कहीं पे तो आप ब्रेक इवन पॉइंट के पीछे पड़ जाते हो, कोई रुपीस में निकाल देंगे, और 2 जगह ऐसे थे जहां पे आपने परसेंटेज के बीच में छोड़ दिया। भैया यहां कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो हमें यहीं छोड़ के आगे चलना पड़ेगा एग्जामिनर के लिए। अगर आपको रास्ता दे रखा है कि आप अमाउंट के टर्म्स में निकाल सकते हो, तो एग्जामिनर को दोनों आंसर प्रोवाइड करिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कितना भी दिमाग लग लू कुछ लग ही नहीं सकता सर यहाँ पे, तो यही छोड़ देंगे। लेकिन पिछले वाले सवाल के अंदर हम रुपीस में निकाल सकते थे, हमारे पास वे था निकालने का, तो इसलिए हम वहां तक गए। तो ये सवाल हमारा एक डन हो जाता है, जिसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ और आपने उसका देखा भी, बच्चों ने जवाब भी दे दिया, 4th का आंसर दे दिया, हरिओम ने आंसर दे दिया। चलिए ठीक है।